देखूं तू कैसा है मेरे भाई। यार पल्लू, कल रक्षाबंधन है और मैंने पंकु के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लिया है, मुझे मिल यार। अरे सेठ भाई, कल रक्षाबंधन है और मैंने तो अपनी सारी पॉकेट मनी खत्म कर दी। अरे मेरे साथ भी यही हाल है तेरे भाई, अब बताओ हम क्या करें। अरे सेठ भाई, आप ही सोचो कुछ क्या करना है। आप हमें बल्लू, हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पुराने पुराने गिफ्ट्स हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते, उन्हें हम मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम एक नया गिफ्ट खरीद के पंकू को दे सकते हैं। सेठ भाई, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ आइडिया निकाल ही लोगे। चलो फिर चलते हैं और अपने पुराने गिफ्ट निकाल के मार्केट में बेच के आते हैं। चलो। हे पिंकी, तूने बल्लू और सेठ को देखा है क्या? सुबह से एक बड़ा सा बैग लेके मार्केट गए हैं और अभी तक आए नहीं। ना पंकू, मैंने तो अभी उनको देखा नहीं। हे भगवान, ये दोनों बिना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो पंकू, क्या लगता है इस बार क्या गिफ्ट देंगे वो हमको? गॉड नोस पिंकी, मुझे तो पता नहीं, पर मुझे एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट चाहिए। अगर उन्होंने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तो उन दोनों की मैं बैंड बजा दूंगी। हाँ पंकू बिल्कुल, अगर वो हमारे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए तो हम उनकी दोनों की बैंड बजा देंगे। बल्लू, बस अब यही एक बॉल बची है और इसे भी बेचते हैं और थोड़े से पैसे और इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल सेठ भाई, अब तो हमारा काम लगभग बन ही गया है। चलो फिर इसे बेच के पंकू और पिंकी के लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। ठीक है सेठ भाई, चलो। हैप्पी रक्षाबंधन सेठ और बल्लू। हैप्पी रक्षाबंधन सेठ और बल्लू। तुमको भी बहना हैप्पी रक्षाबंधन। तुम्हारा गिफ्ट। और ये एक और गिफ्ट मेरी छोटी सी बहन के लिए। और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।